हेलो दोस्तों, दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज मेरे पास रेडमी 8, तो आज इसमें करने वाले हैं पबजी टेस्ट। तो चलिए एक बार फोन आप देख लीजिए। तो अभी जो हमारे पास ये फ़ोन है, अभी इसमें एक अपडेट आया हुआ है, लेकिन अपडेट अभी हमने नहीं किया है क्योंकि हम अपडेट से पहले एक पबजी टेस्ट बना रहे हैं। अपडेट के बाद भी एक पबजी टेस्ट आपको जरूर करके दिखाऊंगा कि फ़ोन में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, पबजी कैसा स्मूथ हो जाता है नहीं, तो सारी बात आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अभी अपडेट से पहले आप इसमें पबजी टेस्ट देख लीजिएगा। तो अगर बात करें मेरे पास कौन सा वेरियंट है, तो मेरे पास 4GB रैम वहीं 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। तो चलिए आगे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की और इस फोन के प्राइस की, और आपको ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं, तो वो तो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बता दूंगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर मिल जाता है, दोस्तों 439 का प्रोसेसर मिल जाता है। अब बात करते हैं इस प्रोसेसर की गेमिंग के लिए। तो दोस्तों ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल सा प्रोसेसर है। अगर आप इसे गेमिंग करते हो तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप नॉर्मली यूज़ करते हो फ़ोन को, गेमिंग नहीं करते हो, तो इस प्रोसेसर में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली फ़ोन को आप अच्छे से यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। तो अभी इसका प्राइस जो फ्लिपकार्ट पर शो हो रहा है वो इसका 10,000 रुपये शो हो रहा है। तो आपसे कहना चाहूँगा कि 10,000 रुपये में अगर आप गेमिंग के लिए इस फ़ोन को खरीदना चाहते हो तो मत खरीदना, क्योंकि इससे भी अच्छे फ़ोन आपको 10,000 में मिल जाते हैं। तो आप Redmi 9 Prime ले सकते हो जो कि 10,000 रुपये का ही है, और गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है 10,000 रुपये में। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छा, लेकिन 10,000 रुपये में प्राइस के हिसाब से उस फोन में काफ़ी अच्छी गेमिंग कर लेते हो। अब इस फोन के ग्राफिक्स की बात करें तो स्मूथ और बैलेंस ही सपोर्ट करेगा। जी दोस्तों, स्मूथ और बैलेंस दोनों में मीडियम सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसका प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है। तो चलिए बैलेंस और स्मूथ मीडियम में एक गेम लगा लेते हैं। बैलेंस और मीडियम में इसके हाई ग्राफिक्स हैं। अब इसके बाद में इसका जायरोस्कोप भी आपको दिखाऊंगा, जायरोस्कोप कैसा इसका वर्क करता है। तो मैंने आपको बता दिया, प्राइस के हिसाब से आप इस फ़ोन को बिल्कुल ना लें, क्योंकि जिस टाइम पे फ़ोन लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे इसका प्राइस 8,000 रुपये था। तो 8,000 रुपये में काफ़ी अच्छा ये फ़ोन था। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इस फोन को 5,000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा खासा बैकअप भी दे देती है। तो दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, पबजी के लिए तो आप इस फ़ोन को अभी आज के टाइम में नहीं खरीदें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको 10,000 रुपये में Redmi 9 Prime काफ़ी अच्छा फ़ोन मिल जाता है, जिसमें आप काफ़ी अच्छे से गेमिंग कर सकते हो। अगर आप जाते हो Realme की तरफ तो Realme C3 आपको काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जो कि 10,000 से नीचे ही है, तो उसमें भी गेमिंग अच्छी खासी हो जाती है। तो चलिए इस फ़ोन में परफॉर्मेंस आपको दिखाने वाले हैं, Redmi 8 की परफॉर्मेंस। तो अगर आपसे मैं बताना चाहूँ तो आपको इस फ़ोन में लैग मिलते रहते हैं, फ्रेम ड्रॉप भी मिल जाते हैं, तो उतना अच्छा गेम प्ले नहीं हो पाता है। लेकिन आप इसमें सिर्फ काम चलाओ थोड़ी बहुत ही गेमिंग कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम गेमिंग करना चाहते हो या आप कई घंटे तक खेलते रहते हो, तो बैटरी बैकअप तो इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन गेमिंग में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, आपका गेम उतना स्मूथ नहीं चलेगा, क्योंकि ना तो इसमें हाई ग्राफिक्स हैं, तो उसी वजह से प्रोसेसर इतना अच्छा इस फ़ोन का नहीं है। चलिए जायरोस्कोप आलू ऑन कर देते हैं, सेंसिटिविटी भी एक बार आपको दिखा देते हैं। तो मैं लगभग फुल करके सेंसिटिविटी रखता हूँ। चलिए नॉइज़स्कोप पर फुल कर लेते हैं, उसके बाद आपको जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस भी बताने वाले कि इस फोन का जायरोस्कोप कैसा वर्क करता है। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट करके ये बताएं ये फ़ोन आपके पास है या नहीं, और आप कौन से फ़ोन में पबजी खेलते हो, तो ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आगे वीडियो को देखते रहिए, थोड़ी परफॉर्मेंस आपको दिखाने वाले हैं, थोड़ा आगे पीछे भाग कर भी गन वगैरह लेकर आपको दिखाने वाले हैं कैसी परफॉर्मेंस फ़ोन में मिल जाती है। आगे आपको जायरोस्कोप भी दिखाने वाला हूँ कि फ़ोन का जायरोस्कोप कैसा वर्क करता है। तो चलिए सीधे जंप कर लेते हैं नीचे, जाकर आपको कोई गन वगैरह भी हम ढूंढते हैं, घरों में भी जाएंगे, तो आगे आपको दिखाने वाले हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस। मैंने आपको बता दिया है बैटरी काफ़ी अच्छी, फ़ोन की बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हो आज की डेट में तो मत खरीदना, गेमिंग के लिए इतना अच्छा फ़ोन ये नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है। अगर आप नॉर्मली यूज़ करना चाहते हो, अगर आप गेमिंग नहीं करते हो, सिर्फ कॉलिंग व्हाट्सअप ऐप भी के लिए यूज़ करना चाहते हो, यूट्यूब वगैरह, तो आप काफ़ी अच्छे से इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आपकी क्या राय है इस फ़ोन के बारे में, इस फ़ोन में पबजी चल जाता है नहीं, पबजी खेलना चाहिए या नहीं, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप किसी फ़ोन में जाना चाहते हो कि उस फ़ोन में पबजी कैसा चलेगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट पर वीडियो बना दूँ, वरना कमेंट करके तो मैं ज़रूर देता ही हूँ। तो आगे थोड़ी वीडियो को देखते रहिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि अभी तक भी आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो नॉर्मली गेमिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ही चलेगी, ज़्यादा हाई ग्राफिक्स की लेवल तो आप इसमें नहीं कर पाओगे, एक हाई लेवल की गेमिंग नहीं कर पाओगे, स्मूथ और बैलेंस में आप इसमें खेल सकते हो, उससे आगे नहीं खेल पाओगे। तो इसमें नॉर्मली गेमिंग होगी और ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत काम चलाओ गेमिंग आप इसमें कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है, आपको 2020 में गेमिंग के लिए नहीं खरीदना है, आप कोई और फ़ोन खरीद सकते हो। दोस्तों आप इसकी जगह Redmi 9 Prime या Realme C3 भी खरीद सकते हो,
जो कि इससे काफ़ी अच्छी गेमिंग फ़ोन में हो जाती है, क्योंकि Redmi 9 Prime काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब दोस्तों बात करें इस फ़ोन के जायरोस्कोप की, तो जायरोस्कोप भी इस फ़ोन का खास नहीं है, नॉर्मल साइज जायरोस्कोप है। जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन करके भी आप इसमें पबजी नहीं खेल सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो चलिए थोड़ा गेम प्ले करके देखते रहिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अपडेट करने के बाद भी मैं आपको पबजी टेस्ट करके जरूर दिखाऊंगा। अपडेट के बाद थोड़ा बहुत पबजी इसमें सही होता है या नहीं, तो मैंने आपको बता दिया 2020 में गेमिंग के लिए आपको इस फ़ोन को नहीं खरीदना है, आप कोई अलग फ़ोन भी खरीद सकते हो जिसमें आप इससे काफ़ी अच्छी गेमिंग कर लोगे। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ इतना ही, धन्यवाद।